अरे हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ द बिना कोड्स मैं एक टिपिकल डे बताना चाहती हूँ हाउ आई स्पेंड माय डे नाउ पूरे दिन कैमरा रखती हूँ अपने साथ और हर एक चीज को रिकॉर्ड करती हूँ यू नो फ्रॉम वेकिंग अप टू एवरीथिंग द फर्स्ट थिंग दैट आई डू आफ्टर वेकिंग अप

स्पेंड लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑन स्किन केयर स्किन केयर ऐसी चीज है मेरी जिंदगी में जो मैं कभी भी भूल नहीं सकती आजकल स्किन केयर में जो मैं यूजली कर रही हूं इज कीपिंग माई स्किन हाइड्रेटेड छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यू नो लिटिल बिट ऑफ डिसकलरेशन दिस दैट बट दिस आई एम ओनली टेकिंग केयर ऑफ माई हाइड्रेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर वॉरिड अबाउट स्ट्रेच मार्क्स और थिंग्स लाइक दैट स्ट्रेच मार्क्स के बारे में बाद में सोचने से अच्छा आई थिंक दिस इज The time that you should think about stretch marks when you are on your plumper side, or especially when you are pregnant, that is the time apply thick moisturizer or maybe thick creams all over your body. The next is coming to skincare. During these days, there are so many thoughts that are there in the mind. But uh, I somehow feel that when I do skincare, thoda, I just feel fresh. I feel my day has started. Do any skincare. That suits you the best. So, the first thing that I would do is wash my face, and uh, that is the basic to all skincare. So, uh, right now I am using 1% collagen face serum cream. And uh, collagen, you know, they are the building blocks of our skin, which holds our skin tightly. I mean, with age and maturity, the skin starts sagging because uh, the collagen production of the skin reduces. This has collagen peptide, green tea extract, hyaluronic acid. And uh, I use it for day. You can use it during day as well as night. It makes the skin plump, you know, shaft shaft. Wrinkles, ko kam karta hai and uh, me. koi fragrance. Hai. Matlab, usually, I have become a little more receptive towards fragrances. I feel uh, too much of strong fragrances are something that I am not in favor of. और ये तो मैंने हमेशा ही बताया, like. मैं यहां पे एसिड वाला सनस्क्रीन जेल अप्लाई करके दिखा रही हूँ तो इसमें हाइलोरोनिक एसिड है वाइटामिन ई e है अगेन इट इज फ्रेग्रेंस फ्री सो इट कंप्लीटली गोज विध माई करंट स्टेट ऑफ माइंड इट इज एब्सोल्यूटली क्विक अब्जॉर्बिंग फॉर्मूला और सनस्क्रीन uh, में लगाते वक्त आप ये देख लीजिए कि कितना वक्त तक वो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है सो दिस वन हैज़ एस पी एफ फिफ्टी विच कम्प्लीटली गोज़ विथ मी एंड डर्मा को प्रोडक्ट आई लाइक बिकॉज ऑब्वियसली दे आर डिजाइंड यूजिंग साइंटिफिक इन्ग्रीडियंट्स एंड दे आर ऑल्सो क्लीन कॉस्मेटिक्स तो जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे कि हाउ डू आई फाइंड आउट विच क्लीन कॉस्मेटिक्स बिहाइंड एवरी कॉस्मेटिक हु आर क्लीन कॉस्मेटिक आपको लिखा हुआ दिख जाएगा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ सल्फेट एंड डाई फ्री पैराबिन एंड मिनरल ऑयल फ्री इनफैक्ट दोनों चीजों में आपको दिख जाएगा ऑल्सो वन एडेड एडवांटेज मेरा कोड दी ट्वेंटी टू से आप अगर खरीददारी करेंगे डर्माको की खुद के वेबसाइट से तो आपको एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और अदरवाइज भी प्रोडक्ट्स यहाँ से आपको मिलेगा देन आई स्टार्ट माई डे विद फैट फर्स्ट जैसे मैंने कहा मैं यूजली दिखाती हूँ आई स्टार्ट माई डे विद वेरी लाइट कॉफी विथ घी एंड ये कॉफ़ी भी मैंने बहुत मुश्किल से ऑर्गेनिक मंगवाया है फाइव ग्राम्स ऑफ घी टू टेन ग्राम्स ऑफ घी वॉट एवर सूट्स यू फॉर मी फाइव ग्राम सूट्स मी और ये बटर कॉफ़ी बोलती हूँ मैं इसको और इसको कैसे बनाते हैं इसका लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएगा एंड देन आई डू सम मॉर्निंग रिचुअल यू कैन डू एनी मॉर्निंग रिचुअल दैट योर बॉडी परमिट्स आई मीन वॉट एवर स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन इफ यू आर एब्सोल्यूटली फाइन अपने आप को थोड़ा पुश करे और डू सम काइंड ऑफ अ लिटिल मोबिलिटी मतलब वॉक कर लीजिए या थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए उसके बाद वॉक बे फीट इन अ ग्रास इट्स सो इम्पॉर्टेंट गाइज मतलब द अर्थ कनेक्शन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आई मोस्टली गो डाउन फॉर अ वॉक यूजली मैं वॉक करती हूँ फाइव किलोमीटर वॉक इज गुड फॉर मी गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन एंड गुड फॉर Everything health wise. द डे इज़ आई फील बेटर आई फील रियली गुड आई डू अ लिटिल बिट ऑफ वेट ट्रेनिंग वेरी लाइट सो यू कैन सी मैंने रिकॉर्ड किया है अगर आप लोगों को चाहिए आ, मेरा फुल वेट ट्रेनिंग मैं किस तरीके से करती हूँ वेरी लाइट वेरी सिम्पल यू कैन जस्ट डू इट विद इन हाफ एन आवर तो आराम आराम से करिए मे बी फोर्टी फाइव मिनट्स बट डू इट एक्चुअली आई विल नॉट पोस्ट अनलेस यू आस्क फ्रॉम मी तो आप मुझसे पूछिए अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो मैं ज़रूर उसको आप लोगों के लिए पोस्ट उंड करूंगी बाद में एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इज गुड अनलेस योर डॉक्टर हैज स्पेसिफिकली टोल्ड यू टू टेक रेस्ट और मे बी टेक बेड रेस्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन अदरवाइज ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि आप बीमार है आपको हिलना ही मना है कुछ भी करना ही मना है सो लिटिल बिट ऑफ मोबिलिटी इज ऑलवेज गुड तो मैं uh, कुछ दिनों से कुछ डांस वीडियोज पोस्ट किया और सबसे ज्यादा कॉमेंट्स आया कि मैंने जीन्स क्यों पहना रिलैक्स गाइज मैं जीन्स टाइट्स टी शर्ट जो भी पहन रही हूँ दे आर कंफर्टेबल फॉर मी इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द डेज तो मैं ऐसे ही लगता है आई एम लाइक इन माई सोफा लाउजिंग रीडिंग बाद में आऊंगी लेकिन ये जो वीडियो बनाती हूँ या जब मैं डांस रील्स शूट करती हूँ तो उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा गैदर करके अच्छे से तैयार करके प्रेजेंटेबल होकर आप लोगों के सामने आ रही हूँ सो आई शो यू द काइंड ऑफ क्लोथ दैट आई मोस्टली वेयर इन फैक्ट सम Uh, मेरी बहुत अच्छी दोस्त प्रियंका उन्होंने मुझे गिफ्ट किया फ्रॉम हर प्रेगनेंसी डेज जो अभी वो यूज नहीं करती क्योंकि वो काफी अभी पतली हो गई है और जरूरत नहीं पड़ता एंड रिसेंटली एक ब्रांड uh, ने मुझे uh, गिफ्ट किया सम मैटर्निटी क्लोदिंग जहाँ पे आई जस्ट शो यू आल्सो ये पैंट कितना ऊँचा है the pants are high up till here and with lovely uh, quotations you know baby feet bana hai this is another one mama in the making how sweet अगर इसके बारे में आ, अता पता चाहिए तो मैं नीचे दे दूंगी आई क्वाइट लाइक इट मुझे ऐसा लगता है सो कम्फर्टेबल यू नो दे रिमाइंड मी ऑफ ब्यूटिफुल फेस दैट इज गोइंग टू कम इन माई लाइफ वेरी सून उसके बाद आफ्ट मैं घर आती हूँ आई हैव माई ब्रेकफस्ट विच इज़ मोस्टली पीस ऑफ साडो ब्रेड और टू एग ऑमलेट आई यूजली ईट द येलो बिकॉज दैट हैज़ गॉट गुड फैट एंड

अच्छा वेजिटेबल मुझसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इट इज गिविंग मी अ लॉट ऑफ ब्लोटिंग सो आई हैव अवॉइडेड एनी काइंड ऑफ रॉ कमिंग टू लंच। लंच में मैं यूजली खाती हूँ लिटिल बिट ऑफ राइस पुलाव पुलाव इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि राइस जितना क्वांटिटी का है उतना ही क्वांटिटी इनफैक्ट उससे ज़्यादा क्वांटिटी का मिक्स्ड वेजिटेबल्स जैसे पुलाव बनाते हैं सो आई मेक द पुलाव लाइक like दैट और उसके साथ साथ आई हैव चिकन और सम डेज वेरी लेस ऑफ द डेज मैं दाल खाती हूँ बहुत ही कम क्योंकि दाल में जो लेकटन्स होता है वो मुझे सूट नहीं करता उससे भी मुझे गैस होता है सो आई हैव स्टार्टेड अवॉइडिंग हैविंग दाल मैं एक छोटा सा प्रिपरेशन दिखा रही हूँ दिस इज़ लिटिल डिफरेंट जो uh, मैंने मैं खाती हूँ कभी कभी इट्स अ वेजिटेरियन डिश तो इट इज़ लाइक कोकोनट आटा लेके आटा में आई मिक्सड आलमंड आटा और उसका यू नो डो बना के उसको धीरे 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 प्रेस करके जैसे बाजरे का रोटी बनाते हैं बिकॉज उसको आप बेल नहीं सकते हो तो बाजरे का रोटी के जैसे हाथ से प्रेस कर करके उसको आप रोटी जैसा बना लीजिए और उसके साथ साथ मैंने uh, मूंग दाल का कड़ी

बहुत ज़रूरी है ये पहले से जानना जरूरी है ना बिफोर आई वेस्ट द मनी बिफोर आई बाई इट और फिर मैं रियलाइज़ करूँ और फिर मैं आ, प्लान कर रही हूँ जो मेरा ग्रीन रूम है जो आपने देखा है जो मेरा लाइब्रेरी है या गेस्ट आते हैं इट्स लाइक अ लिटिल ऑफिस जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह करते हैं उसी रूम को आ, मैं बनाऊंगी मेरा बेबी रूम तो इसीलिए उसकी प्लानिंग चल रहा है फिलहाल मेरे मन के अंदर उसको मैं धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करूंगी सो दैट विल बी ऑल्सो अ वेरी क्यूट जर्नी जिसके लिए फिर से वॉक शुरू हो जाएगा इसके बाद शाम आ, हो जाता है अगेन आई मोस्टली एट Home. I genuinely don't go out anywhere. I hardly meet anybody. I'm at home at peace with myself. फाइव ओ क्लॉक खाती हूँ मुड़मुड़ा मतलब जिसको मुड़ी कहते हैं या भेल कहते हैं बट भेल में यूजली सेव होता है चनाचूर होता है जो कि बहुत फ्राइड होता है सो आई अवॉइड दैट मैं सिर्फ भेल को एकदम ड्राई फ्राई करके उसमें कटी हुई प्याज और हल्की हरी मिर्ची डाल के उसको खाती वो मेरे गैस और ब्लोटिंग को काफी हद तक कंट्रोल में रखता है और अनादर डेज जिस दिन जब मैं ये खाने को मन नहीं करता आई है कप सोक्ड मिक्स

प्रोटीन एंड वेरी गुड फैट तो दैट इज़ अ वेरी गुड इवनिंग स्नैक और फिर रात को सोने से पहले विच इज़ अराउंड सेवन थर्टी एट ओ क्लॉक आई मोस्टली ट्राई टू फिनिश माई डिनर विच इज़ अगेन इफ आई एम ईटिंग वेजिटेरियंस उस दिन मैं लेती हूँ या तो पमकिन सूप या बटर नट स्क्वाश सूप और उसके साथ में लेती हूँ वेजिटेबल uh, टिक्की मेथी गाजर बीन्स इन सबको इकट्ठा करके मैश करके ऐसे टिक्की टिक्की बना के उसको हल्के से uh, तेल में ड्राई फ्राई टाइप का कर लेती हूँ एंड आई जस्ट लव इट द मेथी का जो हल्का कड़वा कड़वा सा टेस्ट आता है जस्ट फील्स सो गुड आई लव इट व समेजीज एंड समिश दैट इज ऑल अबाउट हाउ माई डे गोज रात को बैठ के मैं थोड़ा सा नेटफ्लिक्स देखती हूँ या वॉट एवर ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो भी कुछ नया आया है वो देखती हूँ आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ती हूँ दिन भर में बीच 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 में कोशिश करती हूँ कि उसका रिप्लाई मैं करती रहूँ और मैं प्लान भी कर रही हूँ हाउ वी कैन कनेक्ट विथ ईचर आई समा फील दैट देर आर सो मेनी थिंग्स सो मेनी ऑफ यू वॉन्ट्स टू गेट इन टच विध मै

इट्स वेरी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए मैं आई एम थिंकिंग एंड ट्राइंग टू कम अप विथ सम वे वेर वी कैन हैव अ टू वे कम्युनिकेशन आप भी कुछ बोले तो मैं सुन पाऊँ मैं भी कुछ बोलूँ तो आप सुन पाए सो दैट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट सून टिल देन टाटा बाय बाय आज बैठ के मैंने बहुत बात कर लिया मुझे लगता है आज अभी जाके मुझे सोना चाहिए गुड okay, नाइट नहीं गुड नाइट नहीं गुड आफ्टरनून बाय